नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन के कंप्लीट डेरिवेशन को इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वी नो दैट द लैग्रांजियन एंड लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं कि जो लैग्रांजियन और लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। हमारे पास जो लैग्रांजियन होता है L इक्वल टू टी माइनस वी, अर्थात जो लैग्रांजियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी T और पोटेंशियल एनर्जी V के डिफरेंस के बराबर होता है। और यहाँ पर जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो क्यू जे है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर जो क्यू जे डॉट है यहाँ पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। यहाँ पर जो क्यू जे होगा वो जनरलाइज्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हैं और जो क्यू जे डॉट्स है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स हैं। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट, एंड वी नो दैट द लैग्रांजियन एल इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट क्यू जे वेलोसिटी क्यू जे डॉट एंड टाइम टी। और हम ये भी जानते हैं कि जो लैग्रांजियन होता है वो क्यू जे डॉट और टाइम टी का फंक्शन होता है। अर्थात लैग्रांजियन पोजिशन कोऑर्डिनेट क्यू जे और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट क्यू जे डॉट एंड टाइम टी का फंक्शन होता है। सो वी कैन राइट एल इक्वल टू एल क्यू जे डॉट टी। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन, यदि हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करें देन डी एल इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे। सबसे पहले हम वन क्यू जे वेरिएबल के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इंटू डी क्यू जे प्लस, फिर हम क्यू जे डॉट के लिए करते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट प्लस डी क्यू जे डॉट प्लस, फिर हम टी के लिए करेंगे तो डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन हमें प्राप्त होती हैं। फिर वी नो दैट जनरलाइज्ड मोमेंटम, हम जानते हैं कि जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो होता है पी जे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि पी जे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ये जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है ये कहाँ से आता है? तो जो जनरलाइज्ड मोमेंटम पी जे की जो वैल्यू आएगी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट वो कुछ इस प्रकार से आती है, पी जे इक्वल टू डेल अपॉन डेल क्यू जे डॉट। और यहाँ पर जो L की वैल्यू है, L यहाँ पर जो है वो है लैग्रांजियन और लैग्रांजियन को हम लिख सकते हैं T माइनस V। यहाँ पर जो T है वो काइनेटिक एनर्जी है, V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर जो T है वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी का फंक्शन होती है, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको नेगलेक्ट मानते हैं। इसलिए हम इस काइनेटिक एनर्जी टी का क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में अर्थात वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इफ सपोज दैट यदि हम टी की वैल्यू 1 अपॉन टू एम बी स्क्वायर मान लें, यदि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1 अपॉन टू एम बी स्क्वायर है तो हम इसका क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आता है 1 अपॉन टू एम इंटू टू वी। देन 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास पी जे की वैल्यू आती है एम वी। हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो एम वी होता है और एम वी यहाँ पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी जे। सो पी जे जो होगा वो हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा और जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो पी जे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर दे देते हैं। फिर हम देखें, हम जानते हैं कि जो हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू जीरो। देन डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, इस टर्म्स को हम उधर लेके जाएंगे। फिर यहाँ पर डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से रख देते हैं, डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से पी जे रख देते हैं। तो यहाँ पर डी पी जे अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर डी पी जे अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं पी जे डॉट।
क्योंकि पीजे डॉट का मतलब यहाँ पर पीजे का टी के रेस्पेक्ट्स में डेरिवेटिव है, अतः डेल एल अपॉन डेल क्यूज इक्वल टू पीजे डॉट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त होती है। देन नेक्स्ट वी नो दैट द हैमिल्टोनियंस एच इक्वल टू क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल, हम जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होगा वो क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल के इक्वल होता है। देन यदि हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करें, इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर डी एच इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन है एच इक्वल टू क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल, हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एच इक्वल टू, इसमें जो डिफरेंस आएगा डी एच इक्वल टू क्यू जे डॉट डी पी जे, एक बार हम पी जे में डिफरेंस डी पी जे ले लेंगे और एक बार हम क्यू जे डॉट में डिफरेंस डी क्यू जे डॉट ले लेते हैं। तो क्यू जे डॉट डी पी जे प्लस पी जे डी क्यू जे डॉट और माइनस एल में जो डिफरेंस होगा वो डी एल होगा। सो डी एच इक्वल टू क्यू जे डॉट डी पी जे प्लस पी जे डी क्यू जे डॉट माइनस, यहाँ पर जो डी एल की वैल्यू हमने निकाली है वो डी एल की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन से पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इक्वेशन नंबर वन जो निकाली थी वो लैग्रांजियन एल से डी एल की वैल्यू निकाली थी हमने डिफ्रेंशिएशन करके। तो ये जो इक्वेशन वन है, इस इक्वेशन नंबर वन में वन से डी एल की वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो डी एल की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डी टी। देन जो डी एच की वैल्यू हमारे पास आती हैं वो कुछ इस प्रकार से आती है क्यू जे डॉट डी पी जे प्लस पी जे डी क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, यहाँ पर जो डेल एल अपॉन डेल क्यू जे हैं वो पी जे डॉट के बराबर होता है, अभी हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पर देखा था। एंड डी क्यू जे माइनस पी जे डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट जो होगा वो यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम होगा, इसलिए इसकी जगह हम रख देते हैं पी जे, और डी क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर प्राप्त होती हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर फोर आई ये एक हैमिल्टोनियंस या फिर हैमिल्टोनियन में डिफ्रेंस को ये इक्वेशन शो करती है। इसी प्रकार से हम एक और हैमिल्टोनियन को अर्थात हम हैमिल्टोनियन को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हैमिल्टोनियन इज फंक्शन ऑफ क्यू जे पी जे एंड टी, हम जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो क्यू जे अर्थात यहाँ पर पोजिशन कोऑर्डिनेट्स क्यू जे एंड पी जे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम टी का फंक्शन होता है। तो एच को हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू जे पी जे एंड टी। देन हम इस इक्वेशन का भी फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी एच इक्वल टू हमारे पास आता है, एक बार हम क्यू जे को लेते हैं, एक बार हम पी जे को लेते हैं, एक बार हम टी को लेते हैं। देन डेल एच अपॉन डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस डेल एच अपॉन डेल पी जे इंटू डी पी जे प्लस डेल एच अपॉन डेल टी इंटू डी टी। देन इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव। इक्वेशन नंबर फोर और फाइव को कंपेयर करने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फोर और फाइव में यदि हम डी क्यू जे और डी क्यू जे के कोफिशिएंट की यहाँ पर कंपेयर करें तो डी क्यू जे और डी क्यू जे के कंपेयर यहाँ पर कोफिशिएंट की हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा पी जे डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, पी जे डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है। इसी प्रकार से हम डी पी जे और डी पी जे के कोफिशिएंट की कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है क्यू जे डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी जे। इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है क्यू जे डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी जे, और इसी प्रकार से हम डी टी के कोफिशिएंट की यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो डी टी के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डेल टी, डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन
डेल टी। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 जो आती हैं, ये इक्वेशन हमारी कहलाती हैं हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इन्हें हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 नोन एज हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।